हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो चटपटे छोले चने की रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते और आधा चम्मच ज़ीरा। इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे। और 2 से 3 हरी मिर्ची थी, उनको भी बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे साथ में ही। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको भी अच्छे से पका लेंगे इसमें। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। और टमाटर ऐड करने के बाद तुरंत ही इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा जिससे टमाटर जल्दी गल जाता है। इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे जिसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। इनको भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के होममेड छोले मसाला डाला था। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी छोले मसाले की तो बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं, अच्छे से भुन जाए। तो इन सबको अब अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें हम चने ऐड करेंगे जो हमारे छोले हैं उबले हुए। छोलों को मैंने पहले ही उबाल लिया था नमक और हल्दी डाल के। तो यहाँ पे छोले भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमारे छोले जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको अच्छे से हमें मिला लेना है। हल्के हल्के से चने को प्रेस कर दीजिएगा जिससे फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा छोले चने बनके रेडी हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पे पूड़ी भी बनाई थी, तो चलिए पूड़ी भी बना लेते हैं। अब तो देखिए अब हमारी पूड़ी भी रेडी हो चुकी है। ये मेरा संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था। तो अब इस संडे आप भी बनाइए छोला पूड़ी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, यूनिक है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।